आप सबको मेरा नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आने का, आप सबसे मिलने का। और शुरुआत में मैं पहले ये कहूँगा कि उड़ीसा में आकर उड़ीसा की संस्कृति, उसकी विरासत, उसका इतिहास, यहाँ की अस्मिता, यहाँ का गर्व जो है, ये पूरा भारत पहचानता है। और जब पिछले साल हमारे G20 की अध्यक्षता का समय आया तो मोदी जी ने बहुत सोच के, बहुत विचार करके ये निर्णय लिया कि हमारा जो मेन पिक्चर जो होगा, जो हमारी ब्रांडिंग होगी दुनिया के सामने, ये होगी यहाँ के जाने माने कोणार्क चक्र का। और ये दर्शाता है कि उड़ीसा, उड़ीसा की संस्कृति, खुद हमारे प्रधानमंत्री को और हम सबको इसका महत्व क्या है। मैंने G20 की बात तो की, मैं आगे भी कुछ कहूंगा इसके बारे में, पर आप यह भी जानते हैं कि G20 हम लोगों ने एक उत्सव के तरीके से मनाया था, इसको हम हर राज्य में ले गए थे। और उसका मकसद ये था कि G20 के कारण पूरी दुनिया को भारत के हर राज्य की पहचान हो, सबसे परिचय हो, और इसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आगे वाले वर्षों में अगर यहाँ की शासन, यहाँ की सरकार जो है कोऑपरेट करें, उनमें ऊर्जा हो, ठीक सरकार बने, तो हमें पूरा यकीन है कि G20 का फायदा हमें टूरिज्म में दिखाई देगा। अब आप सब जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी तो विदेश नीति है, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। उड़ीसा विदेश नीति और उड़ीसा राज्य का कनेक्ट, यहाँ के लोग जो हैं इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, दुनिया भर बहुत सारी जगह जाते हैं, कहीं रोजगारी के लिए जाते हैं, कहीं प्रोफेशनल होते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। और पिछले जब से मोदी सरकार आई, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हम लाए थे ये था कि पासपोर्ट का इशू, इसको हम कैसे और उसकी प्रक्रिया हम कैसे और सरल बनाए। और मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने उड़ीसा स्टेट में 20 पासपोर्ट सेवा खोले हैं, ये पोस्ट ऑफिस में है। और इसके कारण हर साल यहाँ 1.25 लाख पासपोर्ट इशू होते हैं, जो पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा है। अब पासपोर्ट इशू होते हैं तो यहाँ के नागरिक जो हैं दुनिया भर, स्वाभाविक है कि वो बाहर भी जाते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो अब आज की दुनिया ऐसी है कि संकटें आती हैं, और आपने तो सुना है कि मोदी की गारंटी जो है दुनिया सीमा से बाहर भी काम करती है, कोई फंस जाता है तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा आश्वासन कि हम उनकी देखभाल करेंगे। और मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और हम ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था, उस समय करीब 400 उड़ीसा के नागरिक वापस आए। पिछले साल सूडान में भी लड़ाई युद्ध हुई थी, उस समय में भी करीब 86 लोग जो हैं उड़ीसा के हम वापस यहाँ ले पाए। और हाल ही में जब इसराइल में जब आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, उस समय उड़ीसा के 20 लोग थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा जो है खासकर प्रधानमंत्री के लिए पर्सनली और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हम इसके कल्चर को बहुत मानते हैं, इसकी इतिहास को बहुत मानते हैं, और इनके स्टेट की टैलेंट और स्किल को हम इसको बहुत बल देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में
उड़ीसा के लिए बहुत स्टेडी कंसिस्टेंट बहुत बड़ी भारी मात्रा में सपोर्ट मिली। कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देखें, ये पिछले 10 साल में अगर आप ग्रांट्स टैक्स शेयर और दी पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ग्रांट्स मिलाए, ये सब कुल मिला के ये 18 लाख करोड़ का सेंट्रल फंड्स जो है ये उड़ीसा स्टेट को दिया गया है। अब यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिविटीज के कारण। सागरमाला में 53 प्रोजेक्ट्स जो 54,000 क्रॉस के हैं ये सैंक्शन हुए हैं। 58,000 किलोमीटर हाईवे बने हैं यहाँ। अगर आप पाइपलाइंस की बात करें तो करीब 3,000 किलोमीटर की ऑयल और गैस पाइपलाइंस हुई हैं। दो स्मार्ट सिटीज का निर्णय हुआ है जहां 99 प्रोजेक्ट्स तय किए गए हैं। तो इसके मैं आपके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य से उड़ीसा का कितना सपोर्ट किया। अब इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पिछले सालों में मोदी सरकार के होते हुए अलग अलग योजनाएं और अभियान चली हैं। अब बहुत सारे जो हैं ये उसका लाभ उड़ीसा के नागरिकों को भी मिला है। जैसे किसान सम्मान निधि के तहत 33 लाख जो हैं अन्नदाता उन वो लाभार्थी हैं। जनधन में 1.4 करोड़ लोगों का बेनिफिट मिला है।